तो भाई अरुण पवार इंट्री फिलहाल खड़ा हुआ है भाई रामेश्वरम की पूज्य धरती पे। भाई अभी हम एक आइलैंड है रामेश्वरम, मतलब इंडिया पीछे छूट जाता है और एक पुल बना रखा है, एक रोड है समुद्र के ऊपर से वहां से आना पड़ता है। एक तो इस आइलैंड सा ही समझो, और इससे आगे धनुषकोडी भी है भाई, इससे आगे श्रीलंका मात्र थोड़ी सी दूर है। श्रीलंका अगर जाना चाहो, वैसे तो रोड तो है नहीं, पर मतलब शिप वगैरह या ट्रेन भी चलती है मेरे ख्याल से। श्रीलंका बस इतना सा है, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैप वेब पे देखते रहते हैं हम तो, जैसे मज़ा सा आता है देखने में कि हम कहाँ पे हैं फिलहाल। तो भाई श्रीलंका मतलब कर्नाटक केरला से भी छोटा है बताओ, और इंडिया कितना बड़ा है, हम पूरा इंडिया नाप के आए हैं। तो आज इस धाम पे इंडिया में भाई चार धाम है, रामेश्वरम, द्वारकाधीश, एक आपका बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में अभी थोड़े दिन पहले होके आया था और आज मुझे सौभाग्य मिला है रामेश्वरम आने का भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। दो धाम और रह जाएंगे मेरे, और ज्योतिर्लिंग ये मेरा चौथा है, ये ज्योतिर्लिंग भी है और एक धाम भी है, तो चार ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे रामेश्वरम में। कल हमने दर्शन नहीं किए थे, कल हम आ गए थे ऐसे धनुषकोडी वगैरह घूम के आ गए थे, मंदिर बंद हो जाता है कुछ टाइमिंग है, सुबह मेरे ख्याल से 6 बजे खुलता है 4 बजे खुलता है ऐसा कुछ है। तो अभी नहा धो के हम लोग रेडी होके जा रहे हैं, 21 कुंड है यहाँ पे कुछ, और सबको दिखाते चलो आपको बारी बारी कैसे दर्शन होते हैं, क्या सिस्टम है आगे। भाई हम वहाँ पे गए थे ना कल, तो वहाँ पार्किंग की जगह नहीं है, तो सोच रहे हैं गाड़ी को आज ये हमने होटल ले लिया था रात को, यहीं पे होटल पे खड़ी करके चलते हैं गाड़ी को। और वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है यार, पार्किंग वार्किंग कोई करने नहीं देता, आराम से तसल्लीपूर्वक दर्शन करेंगे महादेव जी के और दिन बना लेंगे भाई अपना। चलो हमारे साथ, गाड़ी में सामान पहले लोड कर देते हैं आराम। भाई जय हो, हर हर महादेव। हम पहुँच गए हैं मंदिर पे, मेन मंदिर है ये, ये देखो वेस्ट एंट्रेंस। हम गाड़ी ले आए, वो होटल वाला कह रहा था कि भाई पार्किंग हो जाती है वहाँ पे, है कहीं तो पार्किंग, तो वहाँ टारने के मारा तो ना कह रहा मन थे कुछ ना पता भाई मेरे होटल के आगे तक बाहर निकले ये। हाँ कह रहा के कहा भीड़ लग रही, देखते हैं पार्किंग होगी कहीं तो, यार ऐसा तो नहीं होगा शायद से। तो भाई गाड़ी कर दी अपने यहाँ पार्क, थोड़ा कोना नहीं कर रहा है को, बट कोई बात नहीं चलता है। तो भाई साहब आगे देखो भाई, लाइन के बिल्कुल अंदर है, चलो भाई आओ। पीले पीले टम्पू रहते हैं भाई, आजा आजा कोई ठोक दे कभी। चप्पल हमने भीतर ही उतार दी गाड़ी में, क्योंकि मंदिर बिल्कुल ये रहा, पैदल पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है भाई। अभी हमने लॉकर वगैरह का पूछा, मतलब अभी हमने एंट्री का पूछा, तो इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे ये जमा करना पड़ता है, लॉक वॉक करना पड़ता है, जैसा वहाँ पे था जगन्नाथपुरी में सेम वही है। पर मेरे को कोई बता रहा था कि अलाउ, मतलब ऐसे कहते हैं पर ले जा सकते हो आप, बहुत लोगों ने ब्लॉग भी बना रखे अंदर के, पर हमको ये हम शरीफ बालक क्यों खामा खा पंगा मोल लेने खामा खा भाई। 20 रुपया 20 रुपया पर फोन नहीं, पूरा एक लॉकर। अरे तो हम अपनी गाड़ी में धरियाएंगे, चलो ना आओ यार। ओ भाई सारे बोलो हर हर महादेव। भाई भसम मिट गई यार भाई, एक्चुअली हम 22 कुंड हैं भीतर, 22 के 22 कुंडों पे नहाए हम, तो इतने बढ़िया लत्ता फेर के गए। हमने पहले सोचा था छींटे मारेंगे, पर वो वहाँ पे क्या है ना, वो लोग ने खुद नहलाते हैं उनसे बाल्टियों से, तो भाई उन्होंने पूरे भेज दिए हम, तो भाई पूरे दर्शन वगैरह फिर हमने ऐसे ही किए, भीजे भिजाए भाई। अंदर फोन अलाउड नहीं होता, पर बहुत लोग लेके जा रखे थे, पर क्यों खामा खाएंगे वो करना है भाई। सबसे मेन चीज़ अंदर 200 रुपये की और 100 रुपये की, अगर आपको जैसे VIP दर्शन करने, स्पेशल एंट्री और एक क्विक एंट्री है। क्विक एंट्री 200 रुपये की होती है और 100 की, हमने क्विक एंट्री ली थी 200 वाली भाई, जो दर्शन हुए ना बहुत 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 लाजवाब। जैसे पर्ची लेके जाता है ना, तो वो थोड़ी देर रुक पाते हैं, वरना जनरल वालों को थोड़े जैसे करते हैं। तो भाई अंदर ना फोटो ना वीडियो, दो चार भाई मिल गए थे उनसे फ़ोटो से खिंचवा लिए थे, पर जो दर्शन हुए, जो फीलिंग है अंदर जो रामेश्वरम धाम की, वो भाई नेक्स्ट लेवल है। अब आके भाई पूरे लत्ते बदल लिए, जीन्स पीन्स शर्ट वर्ट पहन के गए थे, और ये तो थोड़े छींटे वाले हैं, ये तो छींटे मार के रह गए। हमने कहा भाई प्रॉपर भेदो हमें, तो होली खिला दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 22 कुंड मतलब 22 कुएँ हैं अलग अलग, उन सब पे नहाते हैं फिर जाते हैं दर्शन करने, और भाई मज़ा ही बैठ जाता है कसम से बता रहा हूँ। और गर्मी इतनी है बाहर हद से ज़्यादा, नॉर्थ में 5-4 डिग्री है, यहाँ बहुत गर्मी है। 1 घंटे में हो जाता है सारा काम, मतलब पूरे दर्शन नहाना धोना और पूरा दर्शन वगैरह पूरा 1 घंटे का काम है, बढ़िया मज़ा आ जाता है। अब देखते हैं क्या करते हैं, दोबारा गाड़ी में आके हैं, गर्मी बहुत है, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं भाई। अब हम आ गए एक रेस्टोरेंट में रोटी खाने के लिए, मस्त घनी देर हो गया, भूख लगी आई
सर इंग्लिश देखो, प्लीज वेट 15 मिनट्स आफ्टर गिवन द ऑर्डर वंस यू गिवन द ऑर्डर कैन नॉट बी कैंसल्ड। ठीक है भाई, हमारा सब चीज़ों से मन उग लिया है। कल हमने खाई थी इतनी घटिया घटिया है, सब्जी फब्जी मिलती है कुछ आता ही नहीं इन पे बनाना, तो हमने भैया आज मंगवा लिया आलू के परांठे, ठीक है जी, और एक मंगवा लिया हमने स्वीट लस्सी अपने स्टाइल में यहाँ का, क्योंकि इन पे किसी पे भी इनकी पे ट्रस्ट नहीं होता है भाई, बहुत गंदी टेस्ट होता है, बिल्कुल सड़ा हुआ, किसी का भी फीका फीका सा बकवास। इन पर तो रोटी भी तंदूरी रोटी भी ना लगे, कच्चा रोटी भी तंदूरी ना इन पर। तो चलो ठीक है यार, आराम से खाओ, मौज लो। जय बाबा। बटर बटर तो लाओ, बटर बिना बटर लो नहीं भाई, ये कंपनियों का नाश जाएगा क्या भाई। पानी भी ऐसा देने लगी, पेप्सी तो आती आती थी ऐसी, ये और देखो ना पानी कितना कम कमाने लग गया, सारी बोतल्स में ऐसे ही है, बिस्लेरी पूरा देती है, क्या होगा, बोतल की क्वालिटी भी बहुत हल्की हो गई है। ठीक यार, सो बैड। जय जय श्री भाई, यहाँ इतनी गर्मी है ना, मतलब मन ही नहीं कर रहा कहीं उतरने का। अब तनिष भाई कह रहा है भाई घर के लिए मेरे को शाल लेनी है, ब्रेसलेट लेना है, जर्सी लेनी है, जैकेट लेनी है, शंख लेना है। कह रहे भाई कैसा बता, मैं इतनी गर्मी, मतलब मैं क्या बताऊँ, अपने वहाँ जैसे जून जुलाई में गर्मी पड़ती है ना, मई जून में ऐसी सड़ी गर्मी पड़ रही है यार, क्या करें हम आदमी। गाड़ी में इतना कम्फर्ट मिल रहा है, इतना कम्फर्ट जोन है, अब बीच पर जा रहे हैं हम, पता बीच पर। अब आप भी कहोगे दोपहर में बीच पर कौन जाता है भाई, वो भी 2 बजे भाई जाते हैं, कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जो बीच पे जाते हैं, जो अपना चेहरा छुपाते हैं। भैया इनको शंख लेना बताया, और लेगा भी भाई, वहाँ पे बहुत दुकान है, मतलब बहुत, कन्याकुमारी में भी बहुत थी, पर कुछ लोग जिद बहुत करते हैं कि हमें तो सिर्फ रामेश्वरम से लेना है और समुद्र के किनारे, जैसा अभी समुद्र में किनारे में तो निकलो और यहाँ बेच देगा, सोच ऐसी है भाई कुछ लोगों की, दूसरों की मानते नहीं, इनकी नज़र में दूसरा है पागल, हाफ माइंड चटका हुआ। और मैं कहा भाई चलो तुमको शंख दिला के लाते हैं, और कुछ क्या, तेरे नौकर लग रहे हैं हम, जो बोलते जाएंगे तेरे बारे में, तेरी बड़ाई देते रहेंगे भाई। इसका टॉपिक ख़त्म करो, मैं शहर के बारे में बताता हूँ भाई। शहर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत लोग ऐसे डोलते हैं इधर, तो देखो लुंगी वगैरह में, और बेस्ट भी है भाई, गर्मी तो नहीं लगी कम से कम इनको, पर काले कपड़े तो ज़्यादा गर्मी लगा देते। देखो जी ये आपको अंकल जी दिख रहे हैं जैसे, और पीले टम्पू हैं यहाँ जो दूर से ही दिख हैं, और काफ़ी होटल्स हैं भाई, गुड गुड भी हैं, बेड बेड भी हैं, हम जिसमें रुके थे वो तो लिटिल लिटिल बेड था, वॉशरूम उसका ये आ गया सामने, पसंद हमारे भाई ने किया था ना। ओ भाई तुमने किया था, वो हमने किया था, मैं तो महादेव कसम खाजा, हमने पसंद किया था भाई, मैं दिखाने आया था तुम्हें, फोटो दिखाई थी तुम्हें। भाई देखो बीच पे आ गए लोग, नंगे पुंगे हैं, नहा भी रहे हैं, ठीक है जी। सुनिया गाड़ी यहीं खड़ी कर, बैठे तो लिया शंख दही रहे ना, शंख लो भाई, बीच पे आ गए हैं, ठीक है, ये रहा अपने घर के नहीं है स्ट्रॉबेरी, ये बीच है देख लो भाई, लियाओ यहां भैया, चल हम ही चलेंगे तेरी गैल, तो ठोंडा तो एसी में बैठो भाई। बोट देखो कितनी चल रही, इधर दिख रही है आपको, ये देखो बोट बोट, अरे पता ना क्या सिस्टम है इनको, जुलाम है ये कैसे, कहाँ सिस्टम भाई, उधर देखते ना मार्केट में, मार्केट कहाँ है, मार्केट है वो, हाँ ये सारे बैठे, अरे यार ऐसा ना मिले कर यार, दुकान पे मिलेगा यार वहीं यार, कमाल कर भाई, ऐसा शंख है इधर, शंख बजा बजा, नहीं बज रहा, मैं बजाऊँ देखो, ये भाई कैसे बजेंगे पता नहीं यार, कुछ क्या क्या रहता है देखो, ये भाई यहाँ के शंख है, पूछ रहे कहाँ मिलता है शंख अपने घर वालों से, प्रसाद ले लूँ क्या घर के लिए, ले लेता हूँ चलो, एक मिनट कितने का है भाई, 50 रुपये का भी, 50 का इतना सा भाई। अब हम आ गए धनुषकोडी मंदिर, धनुषकोडी 20 किलोमीटर आ गए वहाँ से, जहाँ कल नहीं आए थे हम लोग गाड़ी से, वो तो कल घूमने वाला था, आज थोड़ा धार्मिक स्थान पे चलते हैं भाई आराम से। वाह भाई वाह, लोकेशन देखो भाई, पूरा समुंदर, और गाड़ी हमारी कहाँ खड़ी है, आज तो बिल्कुल समुंदर पे लिया है हम गाड़ी है, बिना फंसाए हुए, ये होता है टैलेंट, यहाँ के लोग ऐसे भाई, तो ये हम बोल रहे हैं तो साइड में आप देख रहे हो ना, इसकी गाड़ी में हल्की सी टच हो गई करा, तो मैंने कहा सॉरी भाई सॉरी, वो निकलने की जगह नहीं थी उधर, टम्पू खड़ा था, अगर तुम स्क्रैच मार दोगे तो सारी से हो जाएगा काम, सारी से, क्या क्यों दिमाग चाट रहो तुम्हें, हमने कहा तो हमारी मार दे, लगी ना कुछ ना, कैसे कैसे जिन कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, आवाज़ ही कर रहा हूँ, टी सी मंदिर टाइम की डिजायर लेकर
रात के टाइम में कहते सारी बोल दो ना तो उल्टा चढ़ जाए, और जब एंड दिखा दो कही है तो वही चुप हो जाता हूँ भाई। अंदर जय श्री राम जी का मंदिर है, बहुत मस्त, सारी नेगेटिविटी को दूर करके मस्त दर्शन करके आ गए, मजा आ गया। चलो वापसी अब अपने लगाते हैं आगे की तरफ झूले धनुषकोड़ी वगैरह। ये है भाई श्री राम जी का मंदिर, और ये है भैया मस्त वाला रोड, यहाँ दोनों साइड बीच ही बीच, ये देखो मैप में ज़्यादा समझ आएगा, और बीच में से फिर आपका रास्ता, और इससे और आगे जाके राम सेतु पड़ता है जहाँ हम कल गए थे, मेन चैनल पे आप देख लेना। ओके जी, ठीक है जी, टाटा जी नमस्कार, बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री